टेक्नो पोवा 3 वर्सेस इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो एंड इन्फिनिक्स नोट 11 एस फ्री फायर एडिशन साउंड टेस्ट एंड साउंड क्वालिटी टेस्ट। तो गाइस आज मैं स्पेशली इस टेक्नो के टेक्नो पोवा 3 और इन्फिनिक्स के नोट 12 टर्बो और ये साथ में इन्फिनिक्स के नोट 11 एस का कंपैरिजन बेसिस पे इन तीनों ही स्मार्टफोन का एक साउंड टेस्टिंग का टॉपिक यहाँ पे कवर करने वालों और चेकआउट करते कि इन तीनों ही स्मार्टफोन्स में से यानी कि तीनों टेक्नो पोवा 3, इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो और इन्फिनिक्स नोट 11 एस इन तीनों ही स्मार्टफोन्स में से कौन से स्मार्टफोन का जो साउंड है वो आपको ज़्यादा बेटर मिलेगा और अच्छे क्वालिटी का मिलेगा। बिकॉज यहाँ पर ये तीनों ही स्मार्टफोन एक बजट सेगमेंट गेमिंग स्मार्टफोन है। जो कंपनी है टेक्नो और इन्फिनिक्स, ये दोनों ही स्मार्टफोन बजट सेगमेंट में एक गेमिंग स्मार्टफोन आपको मैन्युफैक्चरिंग करके देती है कम प्राइस में। तो ऐसे में तीनों ही स्मार्टफोन्स को कंपेयर करना बनता है बिकॉज मोस्टली केसेस में जो गेमिंग होता है, गेमिंग स्मार्टफोन होता है, उसमें साउंड का बहुत ज्यादा मैटर होता है। जितना ज्यादा बेटर साउंड क्वालिटी होता है उतना ज्यादा गेम खेलने में ज्यादा मजा आता है। तो ऐसे में गाइस यहाँ पर साउंड टेस्टिंग करना बनता है। इवन अगर आप इसमें म्यूजिक भी प्ले करते हैं तो आपको साउंड क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी कैसा मिलता है ये भी चेक करना तो बनता है। सो गाइस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ। ये चैनल है मेरा कंप्लीटली एक ब्रांड न्यू चैनल है, तो अभी मुझे आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। तो आपको टॉपिक्स एंड वीडियोस पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा ताकि फ्यूचर में और भी वीडियोस मैं आपको अपलोड करके बता सकता हूँ। सेकंडली यहाँ पर गाइस मैंने एक और सेकंड यूट्यूब चैनल मेरा और क्रिएट किया है, जिसमें मैं कंप्लीटली डिफरेंट टाइप के वीडियोस वहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। तो जो मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल है उसका लिंक वीडियो के डाउन साइड में है, तो आप जाके मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे मुझे भी सपोर्ट मिलेगा और फ्यूचर में आप और भी आपको डिफरेंट टाइप के कंटेंट के एक्सपीरियंसेस आपको देखने मिलेंगे। तो प्लीज सपोर्ट माय सेकंड यूट्यूब चैनल, लिंक उसका वीडियो के डाउन साइड में है। सो ये जो टेक्नो का टेक्नो पोवा 3 है इसमें है 6 GB का रैम, 128 GB स्टोरेज का वेरिएंट है ये मेरे पास, जो कि 13,000 रुपये का है। और ये जो स्मार्टफोन है इन्फिनिक्स का नोट 12 टर्बो है, जो कि है 8 GB का रैम और 128 GB स्टोरेज का वेरिएंट है ये। और ये है इन्फिनिक्स का नोट 11 एस फ्री फायर एडिशन, जिसमें है 8 GB का रैम और 128 GB स्टोरेज का वेरिएंट। तो जो इन्फिनिक्स के दोनों ही स्मार्टफोन है यानी कि नोट 12 टर्बो और नोट 11 एस, ये दोनों ही स्मार्टफोन्स आपको बजट सेगमेंट गेमिंग स्मार्टफोन की कैटेगरी में आते हैं। दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको डबल स्पीकर मिलता है जो कि DTS सपोर्ट के साथ में आता है। तो दोनों को कंपेयर करके मैं साउंड टेस्टिंग करने वाला हूं और साथ ही साथ जो टेक्नो का टेक्नो पोवा 3 है इसमें भी आपको स्पीकर क्वालिटी बहुत ज्यादा बेटर मिलता है। बिकॉज ये जो स्मार्टफोन इसका एक लास्ट ईयर इसका वेरियंट लॉन्च हुआ था, जो कि है टेक्नो पोवा 2, यानी कि जो मेरे पास स्मार्टफोन है ये है टेक्नो का टेक्नो पोवा 2। तो इसमें सिंगल स्पीकर ही आता है, यानी कि जो लास्ट ईयर स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था, जिसकी वजह से यूजर्स को इसमें बहुत प्रॉब्लम होता था सिंगल स्पीकर की वजह से। तो ये प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए अभी जो टेक्नो पोवा 3 है इसमें आपको स्पीकर का जो क्वालिटी है, जो साउंड क्वालिटी है, वो आपको बहुत ज्यादा बेटर मिलेगा एज कंपेयर टू दिस टेक्नो पोवा 2। तो यहाँ पर जो टेक्नो पोवा 3 है इसमें आपको ऊपर भी एक स्पीकर मिलता है, यहाँ पर भी स्पीकर है ऊपर की तरफ, और साथ ही साथ जो नीचे की तरफ है यहाँ पर भी स्पीकर है, यानी कि ऊपर से भी साउंड का क्वालिटी आता है और नीचे से भी आपको साउंड क्वालिटी आता है। और मैं ट्रस्ट में लास्ट एक महीने से मैं स्मार्टफोन को यूज़ कर रहा हूँ, साउंड क्वालिटी इसमें बहुत ज़्यादा बेटर है अगर आप इसको कंपेयर करो टेक्नो पोवा 2 के साथ में। तो अभी आप मैं इस टेक्नो पोवा 3 को इन नोट 12 टर्बो के साथ में नोट 11 एस के साथ में भी कंपेयर करूँगा, जिससे कि आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन सा स्मार्टफोन आपको परचेस करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ साउंड क्वालिटी। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इन तीनों ही स्मार्टफोन्स में एक साउंड क्वालिटी यानी कि नॉर्मल से ऑडियो क्वालिटीज को लेकर। तो यहाँ पर सबसे पहले एक रैंडम सा सॉन्ग है जो दोनों ही स्मार्टफोन्स में सेम टू सेम सॉन्ग को मैं प्ले करने वाला हूँ। सो नाउ यहाँ पर सबसे पहले जो सॉन्ग को मैं प्ले करने वाला हूँ वो मैं टेक्नो पोवा 3 में प्ले करने वाला हूँ। तो लेट्स इसमें सबसे पहले सॉन्ग को प्ले करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पूरा 100% वॉल्यूम को रखा है। तो यहाँ पर अगर एक चीज़ आप नोटिस करोगे तो जो साउंड क्वालिटी आ रहा है वो ऊपर से भी आ रहा है और नीचे से भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 90% जो साउंड है वो ऊपर से ज़्यादा आ रहा है और 10% का जो साउंड है वो यानी कि सब नीचे से ज़्यादा आ रहा है, लेकिन ऊपर से जो आ रहा है वो 10% तक का साउंड यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है। अब उसके बाद यही सॉन्ग को मैं सेम टू सेम सॉन्ग को इस इन्फिनिक्स के नोट 11 एस में प्ले करूँगा। तो यहाँ पर मैंने सॉन्ग को प्ले किया, तब ये नोट 11 एस में हो रहा है। तो यहाँ पर जो उसका इन्फिनिक्स नोट 11 एस का जो साउंड है वो टेक्नो पोवा 3 के कंपेयर में कम आ रहा है। तो लेट्स अभी फिर से मैं टेक्नो पोवा 3 में प्ले करता हूँ।
फिर से अभी इन्फिनिक्स नोट 11 एस में प्ले करता हूँ। तो यहाँ पर देर इज़ नो डाउट कि टेक्नो पोएट्री का साउंड ज़्यादा बेटर आ रहा है इन्फिनिक्स नोट 11 एस के कंपेयर में। अब इसको मैं साइड में रखता हूँ और अभी यहाँ पर मैं इस इन्फिनिक्स के इस नोट 12 टर्बो में मैं बेसिकली सॉन्ग को प्ले करता हूँ एंड चेक करते हैं सेम सॉन्ग को। ये सेम सॉन्ग और फिर से मैं इसमें प्ले करता हूँ टेक्नो पोएट्री। तो यहाँ पर फिर भी एकदम क्लियर कट समझ में आ रहा है कि टेक्नो पोएट्री का साउंड भी इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो के कंपेयर में ज़्यादा बेटर, यानी कि इसका साउंड ज़्यादा बेटर आ रहा है टेक्नो पोएट्री का इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो के कंपेयर में। लेकिन इसको मैं भी साइड में रखता हूँ और अभी इस इन्फिनिक्स के नोट 12 टर्बो और नोट 11 एस इन दोनों ही स्मार्टफोन को कंपेयर करते हैं बिकॉज ये दोनों ही स्मार्टफोन नोट सीरीज़ के हैं। तो अभी यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन्स में मैं दूसरे सॉन्ग को प्ले करूँ, लेकिन यहाँ पर एक बात फिक्स है कि यहाँ पर नोट 11 एस और नोट 12 टर्बो के कंपेयर में नोट 12 टर्बो का साउंड ज़्यादा बेटर है इस इन्फिनिक्स के नोट 11 एस के कंपेयर में। तो फिर से यहाँ पर मैं एक और सॉन्ग को प्ले करता हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं दोनों ही स्मार्टफोन्स में एक डिफरेंट लेवल का साउंड यहाँ पर मैं प्ले करने वाला हूँ। सेम सॉन्ग को मैं प्ले करूंगा दोनों ही स्मार्टफोन्स में और अभी आप चेकआउट करते हैं फिर से दोनों स्मार्टफोन। तो सबसे पहले प्ले करता हूँ इस इन्फिनिक्स के नोट 11 एस फ्री फायर एडिशन 8GB रैम वाले वेरिएंट में। तो यहाँ पर मैं प्ले करता हूँ, यहाँ पर मैंने वॉल्यूम को फुल रखा है, ये पूरा का पूरा फुल वॉल्यूम है। तो अभी यहाँ पर यही सेम सॉन्ग को मैं इस नोट 12 टर्बो में प्ले करता हूँ एंड चेक करता हूँ। फिर से प्ले करता हूँ तो यहाँ पर गैस एकदम क्लियर कट समझ में आ रहा है कि जो इन्फिनिक्स नोट 11 एस का जो साउंड है वो थर्ड नंबर पे है, सेकंड नंबर पे इन्फिनिक्स का नोट 12 टर्बो है और फर्स्ट नंबर पे है टेक्नो पोएट्री, यानी कि टेक्नो पोएट्री का साउंड नोट 12 टर्बो और नोट 11 एस से ज़्यादा बेटर है टेक्नो पोएट्री का साउंड। और उसके बाद इन्फिनिक्स नोट 11 एस का साउंड कम है इस इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो का, यानी कि फर्स्ट नंबर पर जो बेस्ट साउंड क्वालिटी है वो टेक्नो पोएट्री का है, उसके बाद सेकंड नंबर पर जो साउंड क्वालिटी है वो है इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो का है जो कि सेकंड नंबर पर आता है, और उसके बाद थर्ड नंबर पर आता है इन्फिनिक्स का नोट 11 एस। अब एक फाइनल लास्ट लेवल का एक साउंड टेस्टिंग करते हैं जो कि है इंग्लिश ऑडियो। एक अभी यहाँ पर तीनों स्मार्टफोन में सेम इंग्लिश ऑडियो को प्ले करने वाला हूँ। तो यहाँ पर भी देखते हैं तीनों का एक इंग्लिश ऑडियो का साउंड टेस्टिंग। सो अभी फाइनल एक साउंड टेस्टिंग होगा बिकॉज आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया आ ही गया होगा कि किसका साउंड क्वालिटी ज़्यादा बेटर है, बट फिर भी एक फाइनल लास्ट लेवल का साउंड टेस्टिंग मैं करने वाला हूँ। तो अभी आप ये इंग्लिश ऑडियो है इसमें मैं प्ले करने वाला हूँ। तो सबसे पहले प्ले करता हूँ टेक्नो पोएट्री 3 में। Sometimes it can be, but I aim to look for some pros. Maybe you're not one of these people that will be affected extensively, or maybe there's a concern here that will stop you from purchasing this new phone because you just don't want to give up SIM card flexibility or perceived SIM card flexibility. अब यहाँ पर इस Note 12 Turbo में प्ले करता हूँ। Obviously, I've heard from a lot of you about this eSIM situation, the death of the SIM card. Apple just murdered SIM cards everywhere. I wanted to do a bit more of a dive. Believe it or not, there are pros and cons to this decision. Of course, I'm talking about the top. अब यहाँ पर फिर से इस Note 11 S में प्ले करता हूँ। I've heard from a lot of you about this eSIM situation, the death of the SIM card. Apple just murdered SIM cards everywhere. I wanted to do a bit more of a dive. So that's is all about. फिर से यहाँ पर वही सेम रिजल्ट है, लेकिन इस बार ऑडियो क्वालिटी में यहाँ पर इतना ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है कि नोट 12 टर्बो और नोट 11 एस का साउंड में क्वालिटी में इतना ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। लेकिन हाँ, जब इन्फिनिक्स ने नोट 11 एस लॉन्च किया था इसमें साउंड क्वालिटी उस टाइम के हिसाब से बेटर था, लेकिन अभी जब इन्फिनिक्स नोट ने यानी कि इन्फिनिक्स ने सेकेंड नोट सीरीज़ का नोट 12 टर्बो जब लॉन्च किया है जो कि इसका अपग्रेडेड वर्जन है जिसमें साउंड क्वालिटी आपको नोट 11 एस के कंपेयर में ज़्यादा बेटर मिलता है, और टेक्नो पोएट्री 3 में जो साउंड क्वालिटी है वो आपको टेक्नो पोएट्री के कंपेयर में ज्यादा मिलता है। तो यहां पर जो फर्स्ट नंबर पे जो साउंड क्वालिटी के मामले में जो नंबर वन है वो है टेक्नो का टेक्नो पोएट्री 3, उसके बाद साउंड क्वालिटी में जो सेकंड नंबर पे है वो है इन्फिनिक्स का नोट 12 टर्बो, और थर्ड नंबर पे जो साउंड क्वालिटी में ज्यादा बेटर है यानी कि दोनों के कंपेयर में मतलब लो है वो नोट 11 एस का जो साउंड है वो लो है नोट 12 टर्बो और टेक्नो पोएट्री 3 के कंपेयर में। टेक्नो पोएट्री 3 का साउंड ज्यादा बेटर है नोट 12 टर्बो और नोट 11 एस के कंपेयर में। नोट 12 टर्बो का साउंड ज्यादा बेटर है नोट 11 एस के कंपेयर में, और नोट 11 एस का जो साउंड है वो लो है, बहुत ही लो है
है इन दोनों स्मार्टफोन के कंपेयर में। सो दैट्स इज ऑल अबाउट। तो ये था इस इन्फिनिक्स के यानी कि टेक्नो पोवा 3 वर्सेस इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो वर्सेस इन्फिनिक्स नोट 11s का एक साउंड क्वालिटी टेस्ट, जिसमें फर्स्ट नंबर पे है टेक्नो पोवा 3। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो गाइस, अगर आपको टॉपिक्स एंड वीडियोस पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ गाइस, यहाँ पे मैंने एक सेकंड यूट्यूब चैनल और मैंने क्रिएट किया है, जिसमें मैं कंप्लीटली डिफरेंट टाइप की वीडियोस वहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। तो एक सेकंड यूट्यूब चैनल है गाइस, उसका लिंक वीडियो के डाउन साइड में है, तो आप जाके मेरे सेकंड